शनिवार के दिन भी ऑफिस में काम कर रहे हैं आप लोग। हेलो टैक्सी देले, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सभी का ये सप्ताह अच्छा गया होगा। मैं हूं थिनले गणपति और मैं आ चुका हूं और एक व्लॉग लेके। सभी का स्वागत है इस चैनल में। मेरे लिए जो ये सप्ताह रहा एक मिक्स फीलिंग वाला रहा, क्योंकि अभी काम के नज़रिए से देखा जाए तो प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है काम में, और इसी कारणवश पिछले 2-3 दिनों से मैं वीडियो भी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि काम बहुत था, प्रेशर बहुत था। तो मैंने सोचा कि ये वीकेंड जो है मैं एकदम आराम से बिताऊंगा। तो आराम से बिताने का सबसे आसान तरीका रहता है कि घर में आओ, लेट जाओ और लैपटॉप खोलो और OTT प्लेटफॉर्म्स में चलाओ फुल टू सीरीज या मूवीज। तो इसी सिलसिले में मेरा पलड़ा इस बार पड़ा था असुर 2 से, जिसमें अरशद वारसी ने मुख्य अभिनय किया है और ओनी सेन द्वारा निर्देशित एक सीरीज है, जिसका पहले एक सीजन 1 भी आ चुका है असुर। और शायद आप लोगों ने जिन्होंने फॉलो किया था उसको, तो बहुत ही ग्रिपिंग एक सीरीज था। और मुझे तो स्पेशली, क्योंकि मैं थोड़ा ये पौराणिक गाथाएं, माइथोलॉजीज और ये फिलोसॉफिकल बातें थोड़ा पसंद करता हूँ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। सो लाइक एनी अदर असुर फैन, आई वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर द सीजन 2 वेरी एंशियसली। और जब ये आया और जब ये फ्री में स्ट्रीमिंग चल रहा है जियो सिनेमा पे, तब तो क्या बोलने हैं, आइसिंग ऑन द केक यू कैन से। जहाँ तक सीजन 1 की बात है, तो उसमें दिखाया गया था कि हम लोगों के कहानी का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स जो है असुर, तो वो किन परिस्थितियों में बड़ा होता है और किन परिस्थितियों में वो अपने मन में पूरे मानवता के प्रति, पूरे समाज के प्रति एक खराब भावना का जन्म देता है। तो उसमें दिखाया गया था एक प्रतिशोध की भावना उसके मन में उत्पन्न होती है और इसी को लेके वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है एक उद्देश्य को लेके कि पूरे मानवता और पूरे समाज का ये विनाश कर देंगे। सीजन 2 में बेसिकली यही दिखाया गया है कि कैसे इन बुरी भावनाओं को वो और ऊंचे स्तर पे लेके जाता है और कैसे देश, मानवता और समाज के सामने एक चुनौती प्रस्तुत करता है, बार बार चुनौती प्रस्तुत करता है, और कैसे हमारे नायक और उनके साथी जो है इन चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करते हैं। और जिस आसानी से मैंने आप लोगों को ये स्टोरी लाइन सुनाई है शॉर्टकट में, तो आप लोग मत सोचिएगा कि ये तो हमने पहले देखा है, इस तरह का पिक्चर हमने देखा है, सुना है। या मैं मानता हूँ कि इट्स बेसिकली अ स्टोरी ऑफ अ विक्ट्री ऑफ ट्रूथ ओवर लाई और गुड ओवर इविल, ये मैं मानता हूँ। लेकिन डायरेक्टर ने जिस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आज के पृष्ठभूमि में यूज़ किया है, आज के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है, तो ये वाकई में एकदम कमेंडेबल जॉब किया है। अभी हम सोचते हैं ना कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है या फिर इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर दूसरे तकनीकी जो फील्ड्स हो गए, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, ये सब मनुष्य के लिए वरदान है। लेकिन अगर यही सब चीज़ अगर बुरे हाथों में चला जाए, तो यही वरदान कब श्राप में परिणत हो जाएगा ये इसका पता भी नहीं चलता। एंड दिस थिंग्स कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय मैनकाइंड। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी इस कहानी की, वो ये है कि कैसे पौराणिक गाथाओं से या फिर माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज है उससे रेफरेंस लेके आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको दिखाया गया है, वो सही में काबिले तारीफ है। और ये कहानी आपको एक बात सोचने पर ज़रूर मजबूर करेगी, वो ये है कि आप सोचते हैं कि आप वर्चूज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन वो वर्चूज़ कब वाइसेस में परिणत हो गया वो आपको पता है? क्योंकि हम लोग इतने प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं, हम लोगों के मन में इतना कुछ चल रहा होता है, हम लोगों का अपना खुद का इतना प्रॉब्लम रहता है कि यू थिंक यू आर फॉलोइंग अ वर्च्यू, लेकिन वो वाइसेस में कब चेंज हो गया वो आपको पता नहीं चलता, और आप कब पाप कर बैठे वो आपको ही नहीं पता चलता। मेरी तरफ से असुर 2 को थम्स अप, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि असुर 2 इज रिलेटिवली वीकर देन असुर 1, क्योंकि जो ग्रिपिंग वाली एक फीलिंग और फ्रेशनेस वाली जो फीलिंग असुर 1 में आई थी वो असुर 2 में मिसिंग है। फिर भी आप लोग अगर माइथोलॉजी, पौराणिक गाथाएं, फिलोसफी इस सब को पसंद करते हैं, तो आप लोग अवश्य देखिए असुर 2 जियो सिनेमा में फ्री स्ट्रीमिंग कर रहा है। सो दिस वाज माय इंप्रेशन रिगार्डिंग असुर 2। तो इसके बाद अभी हम निकलते हैं, थोड़ा वॉक पे निकलेंगे, शाम का भी वक्त हो गया है और थोड़ा ऑफिस भी निकलना है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑफिस का जो कंप्यूटर है वहाँ पे मैंने अपना एक पर्सनल फाइल बना के रखा था, एक काम का, पर्सनल काम का, तो वो मैं वहाँ से लेना भूल गया था, तो वो भी मैं लूँगा वहाँ से। मेरा एक कोलीग, कहाँ से आ रहे हो अभी? वो ऑफिस छुट्टी हो गया, आज भी था?
क्या सुलभ, तुम आज भी ऑफिस गए थे क्या? सर क्या हुआ आज, क्या काम था? बिल था। वो बिल था? ओ तो अभी कोई है वहाँ पे? नहीं। ओ अब पियेंगे थोड़ा जूस, यहाँ पे लीची का जूस पियेंगे। ये है मेरे ऑफिस का हेड क्लर्क। तो हेड क्लर्क जी, आप आज भी ऑफिस आ गए क्या? शनिवार के दिन भी ऑफिस में काम कर रहे हैं आप लोग? तो आ गया हूँ मैं यहाँ पे अपने ऑफिस में। सो दिस इज़ माई वर्क प्लेस। तो ऐसा दिखता है मेरा चेम्बर। ये जो मेरा डेस्कटॉप है, ये ऑफिशियल डेस्कटॉप जो है, पूरा भर गया है ये। इतना यहाँ पे आइकन्स भरे पड़े हैं यहाँ पे। तो इसको एक दिन बैठ के टाइम लेके ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा मैं दोस्तों। ये फाइल जो है मेरा पर्सनल फाइल है, इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये कुछ डिज़ाइंस है देखिए, जो मेरे घर का जो डिटूर वाला वीडियो था उसमें वो रेलिंग का डिज़ाइन दिखाया था, तो यही पे बना कर रखा है मैंने। यहाँ पे देखिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी रखे थे लेकिन फाइनली ये चूज़ किया था मैंने। तो पूरा मैं जो ये है डिज़ाइनिंग वगैरह जो है वो MS Excel जो होता है उसमें करता हूँ। बाकी देखिए यहाँ पे डिज़ाइन किया है ऐसे, फ्लोर डिज़ाइन भी था, ये ड्राफ्ट था, ये फ्लोर डिज़ाइन का ड्राफ्ट है। पूरा मैंने ये एक्सेल में किया है, ये कोई ऑटोक्रैड या फिर ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर में नहीं किया है, पूरा एक्सेल में किया है। ये दरवाजे का ये डिज़ाइन जो है देखिए, और एक दरवाज़ा है ये, इसका डिज़ाइन किया था। जो एक वीडियो था शायद वो करशंग टू बालूरघाट वाला वीडियो था, उसमें एक डोर का, आयरन डोर का डिज़ाइन भी दिया था, जो मैंने वहाँ पे कारीगर को देके रखा था, वो यहीं पे बनाया था। फ्रेम वाला है या रूफ वाला है, ये सब एक्सेल में क्या है, अच्छा लगता है करना। तो अभी फ़िलहाल जो मैं काम कर रहा था इसमें, तो ये था मेरा जो अभी जितने भी बाथरूम्स बनेंगे उसमें टाइल्स का वो जो है डिज़ाइनिंग एंड रिक्वायरमेंट्स। तो ये जैसे कि एक टॉयलेट का हो गया, इसमें कितने टाइल्स लेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन किया है मैंने। और दूसरा टॉयलेट है, ये काम कर रहा था मैं। ये तीसरा वाला टॉयलेट है, इसका कैलकुलेशन वगैरह डिज़ाइनिंग वगैरह करके रखा है मैंने। ये और एक टॉयलेट है, इसका भी किया है। तो बेसिकली मैं ये काम जो करता हूँ वो एक्सेल में करता हूँ। अब ये मुझे तो बहुत ही हैंडी लगता है, बहुत ही आसान लगता है, और मेजरमेंट्स भी आ जाता है उसमें देखिए। तो आप लोगों को कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट्स एंड डिज़ाइंस? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। क्योंकि ये पर्सनल फाइल जो है मेरे ऑफिशियल कंप्यूटर में सेव्ड है, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल व्हाट्सएप वेब के ज़रिए अपने मोबाइल में भेज देता हूँ, ताकि मैं इसको बाद में पर्सनल लैपटॉप में सेव करके रख सकूँ। क्योंकि ये बहुत दिनों का मेहनत है इसमें, क्योंकि अगर ये डिलीट हो गया या फिर ऐसे करप्टेड हो गया तो बहुत दुख होगा इसको होने में। अब मेरा काम हो गया, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। ये हम लोगों का ऑफिस का जो है हॉलवे है यहाँ पे। क्या भास्कर क्या कर रहे है? वो देखा वो ताला वाला? अच्छा, तो ये थी मेरी कुछ डिजाइन एंड कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी सोच के रखा है और अभी फिलहाल पेपर्स पे है। तो इसके बाद जब ये एग्जीक्यूट होगा और कुछ शेप लेने लगेगा तो आई विल शेयर दैट विद यू। जैसे कि पहले घर का डिटूर करवाया था, उसी तरह से आपको और एक बार डिटूर करवा के आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। तो अभी मैकफोन जिस घर में रहता है
मेरे ही घर के बगल वाले गली में है, वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। देखते हैं क्या कर रहा है वो। ओ मैक, ओ मैकुन। क्या कर रहे हो अभी? बैठ रहे थे। देख के बहुत अच्छा लग रहा है ये। बार बार बोल रहा था कि उनका जो यहाँ पे काम करने वाली मासी है उनको वो सिखाएंगे, तो आज वीडियो देख देख के मासी ने ये बनाया है एंड लुक्स वेरी इम्प्रेसिव एंड टेस्टी। तो अच्छी बात है कि वीडियो देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं। वाह, तो दोस्तों इसी नोट पे चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और तहे दिल से इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।